नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये तस्वीर देवहर समुदाय के लोगों का है। आज के दिन में ये देवहर समुदाय के जो लोग हैं वो बिहार सरकार के मंत्री संजय झा को अपना भगवान मानते हैं। आखिरकार ये भगवान क्यों मानते हैं, इस पर हमने कुछ लोगों से बातचीत किया। लगातार संजय झा देवहर समुदाय का नेता खुद को दिखा भी रहे हैं और लोग इन्हें भगवान मान रहे हैं। जगह जगह जब मंच पर जाते हैं तो वो ये जिक्र करना नहीं भूलते हैं कि हमने देवहर समुदाय के लिए क्या किया। आखिरकार इन्होंने देवहर समुदाय के लिए क्या किया, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं दरभंगा के अंदामा गांव में, ब्यूनी अंदामा गांव में, जहां कुछ परिवार, लगभग 100 से 150 परिवार देवहर समुदाय का रहता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने उनसे बात किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज अगर संजय झा नहीं होते तो हमारे घर में गैस चूल्हा नहीं होता। उस गैस चूल्हे पर प्रेशर कुकर नहीं चढ़ता, उस प्रेशर कुकर में चावल, दाल और विभिन्न तरह का सब्जी नहीं पकता। आज संजय झा के कारण ही हम लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, हमारा दुनिया ही बदल गया। मंत्री संजय झा ने 2008 में जब देवहर समुदाय के लोगों से, उनके नेता से मुलाकात किया था, उसके बाद वो लगातार बिना स्वार्थ के ही देवहर समुदाय के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिफारिश करते हुए देवहर समुदाय को अति पिछड़ा वर्ग में डालने का काम किया। तब से लेकर इस समुदाय का जो विकास है वो उसमें गति मिल गया है, जिसका परिणाम है कि देवहर जाति के इतिहास में पहली बार एक साथ एक देवहर का बेटा, दो बेटी न्यायिक पदाधिकारी जज के पद पर नियुक्त हुए। अब हमारे जाति के लोग बड़ी संख्या में अति पिछड़े कोटि से प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, प्रोफेसर, चिकित्सा पदाधिकारी, दरोगा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार सचिवालय, विभिन्न पदों पर नियुक्त हो रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा है। देवहर समाज के जो छात्र मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जो छात्र छात्राएं इंटर में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार से मिल रहा है। अपने समाज के लोगों को अति पिछड़ा कोटि के तहत मिलने वाली सभी तरह की लाभ प्राप्त हो रही है। राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक सुधार होने लगा है। बहेरी जैसे बड़े प्रखंड में पहली बार प्रखंड प्रमुख के पद पर देवहर जैसे पिछड़े समाज की महिला आसीन हुई है। बहेरी नगर पंचायत में पहली बार मुख्य पार्षद के पद पर देवहर समुदाय का बेटा निर्वाचित हुआ है। कई मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच अति पिछड़ा कोटि से निर्वाचित हुए हैं। कई देवहर समाज के लोग अति पिछड़ा कोटि से हुए हैं। इसी का ये नतीजा देख सकते हैं, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोगों ने मंत्री संजय झा का स्वागत सम्मान किया। वही आपको बता दें कि दरभंगा के बीनीपुर में, माधोपुर में देवहर महासभा में जब संजय झा आए तो उन्हें 10,000 लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत सम्मान किया गया। आज उस समाज के बारे में आपको जानना चाहिए, आपको छोटे बच्चों को भी अपने इतिहास बताना चाहिए। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, एक एक समाज के लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। कोर्ट गए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आप अति पिछड़ा नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमसे मुलाकात हुई, मैं एमएलसी था, बहुत सारे साथी मिले हमसे, हम तो डेट भी निकाल रहे थे कि ये नवंबर 2008 में हमसे मिले। आज से 15 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं, 2023 में बैठे हैं। 2008 नवंबर में आपके देवहर समाज के लोग अपनी समस्या को लेके कि हम लोग अति पिछड़ा में नहीं शामिल होंगे क्योंकि आप दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इन सब क्षेत्रों में आपका प्रेजेंस है और बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग थे, वो कुछ लोग भटक भी गए थे, अन्य काम में लग गए थे, रोजी रोजगार नहीं था। और जब मैं समझा, हम लोग तो बचपन से देखे थे आप लोगों को, लेकिन जानकारी नहीं थी इस बीच में क्या हुआ, तब मैं आपके समुदाय के कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। और जब मुख्यमंत्री जी से मिले उन्होंने भी कहा कि भाई तो देखते थे कि नालंदा में भी लोग आते थे बचपन में, हम लोग उनको भी ध्यान में आया और मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, कमिटी के पास गया। जब कमिटी का टीम आया, पुरानी बात हो गई, तो मैं यहां जो आपके समुदाय के लोग थे उनको कहा कि भाई टीम जा रही है, सारा कागज ठीक से दीजिएगा। तो मैं आपका पटना में फ्री का वकील बैठा हुआ था, वकील सिंपल हो चे ना, फ्री का वकील रही आपके केस को लड़ने के लिए, अकेला मैं आपके केस को सरकार में आपकी बात रख रहा था।
अब बड़ा वकील मिल जाता है पूर्वी करने के लिए और भी बिना पैसा का, तो केहन मजा आवे छे तकर बाद। तो आपका मैं वहां पर वकालत करता रहा, और जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ पोलो मैदान में, तो जो अभी आप देख रहे थे सारंगी पर, ये पूरा सारंगी के लोगों को हम लोगों ने पोलो मैदान में भी, जो देवहर समुदाय के हमारे साथी थे, बसहा से लेकर के सारंगी तक मुख्यमंत्री के जाति के सामने खड़ा कर दिया। और उसके बाद जब अति पिछड़ा में देवहर समुदाय आया, कितने दिन की लड़ाई थी ईमानदारी से बताइए, आप लड़ रहे थे बरसों बरसों से, कोर्ट ने भी मना कर दिया, लेकिन जब हम लोग इस मुहिम को लेकर के गए, तो हमको लगता है एक साल के अंदर हम लोगों ने अति पिछड़ा का अधिकार इस समुदाय को लेकर के दिया। देवहर के इतनी दिक्कत में हम सब चलिए, जो पाँच पाँच के देवहर खा रहा था गोदना गोद के, माने पाँच माने बको, अब सरंगी लगा खाए लगल, वह से नहीं पेट भरल, दुनिया घूम लगल, बसहा बढ़ लग, भोजन नहीं मिले छल भर पेट, कपड़ा नहीं भर दे, बस्तर नहीं मिल छा, एगो बच्चा कपड़ा भी मर गए, चार गो बच्चा पोता है, पढ़े लिखे के साधन नहीं हो, जब पेट चलबे नहीं करते कहाँ से पढ़े दे, नाव गाँव नहीं आवे, बच्चा जो हमारे जन्मल लुआ बिनु मर गए, कपड़ा बिनु, लुंगा नहीं छा, अपना पेढ़े छीते नहीं छे, बच्चा के कहाँ से ओढ़ेती, समाज में एगो दूगो आदमी से मांग के ओढ़ेली पेढ़ेली, तैयो नहीं बच्चा जी, समाज का तस्वीर कैसे बदल रहा है आपका, समाज आज बदल गया है, जज हो रहा है, नौकरी हो रहा है, कलेक्टर बने हैं, कैसे बदल गया, समाज बदल गया, जहिया से संजय झा हमरा सबके मंत्री बनल हन, तहिया से हमरा सबके कनी बस्तर मिले या, भोजन मिले या, बच्चा सब पढ़े लिखे या, हमरा लिए भगवान तो वह संजय झा छथिन, जे हमरा सबके भोजन मिले या, राशन मिले या, कैसे भगवान है, क्या दिए आप लोगों को। 2010 में आरक्षण भेल नहीं देवहर सबके, तो दुनिया बदल गेल, बेटा के नौकरी हुआ लगल, पेट भरल लगल, बाबू सब कमायल, तब किसके कारण, संजय झा कारण, सब हमरा लिए भगवान छथिन, संजय झा भगवान भेलखिन, तब हमरा सबके समय बदल ले, पूरा समाज हुनका लिए मरे ले हम सब तैयार छी, गंगनी देवी, संजय झा जिंदाबाद। बोलना चाह रहे हैं हम लोग के पूर्वज का बहुत गरीबी था, बहुत गरीबी, हम लोग लालदेव टाइटल में आते हैं, देवहर जाति से हैं, बहुत गरीबी था, भोजन पर आफत था, वस्त्र पर आफत था, लेकिन हम लोगों का पूर्वज किसी तरह मजदूरी करके दूसरे एक सिर करके भोजन करते थे। इसके बाद कुछ पचनी का काम लगा, जो कि अभी बीसीजी का टीका सरकार चला है, वही पाच करके जीवन यापन करते थे। उसके बाद हम लोग जब उससे अति हुए, तो कोई सरंगी लेकर के, कोई बसहा बैल लेकर के, कोई कुछ करके भिक्षाटन रूप में मांग चांग करके खा रहे थे, अपन जीवन यापन कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बहुत गुहार लगे संजय बाबू के निकट, तो उन्होंने अपना जहाँ तक अति हुआ हम लोग का पिछड़ा से अति पिछड़ा में लाने का काम किए, तो हम लोग गुहार किए संजय मंत्री संजय झा के निकट, तो 2008 से हम लोगों का अति पिछड़ा में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के निकट अपन अति किए, तो ला दिए हम लोगों का अति पिछड़ा में, तो अति पिछड़ा में आने से बहुत प्रकार का लाभ हमारे कास्ट में मिला है। कब मिला था आरक्षण? आरक्षण 2010 से मिल गया, आज से शुरुआत हुआ, 10 में हम लोग का आरक्षण मिल गया, हम लोग अति पिछड़ा में आ गए। क्या लाभ मिला इसे? अति पिछड़ा में आने से हम लोगों का कास्ट का बहुत सा लाभ मिला, कोई कोई जाकर के टीचर बन गए, कोई बिहार पुलिस बने, कोई दरोगा बने, आज जज भी हैं, तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए हम लोगों के लिए संजय झा मंत्री जी हैं वो भगवान रूप में हैं, हम लोग भगवान से अधिक मानते हैं, हम लोग जब तक वो रहेंगे तब तक हम पूरा समुदाय के लोग उनके साथ हैं, उनके साथ हैं, उनके बांह के एकदम दहिना बांह बन के रहेंगे, हम उनके लिए बहुत अति करेंगे, हमारे लिए जब वो इतना अति किए हैं, अब हम लोगों का यही है कि माननीय मंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी तक अनुसूचित जाति में लाने का काम करें, इसके लिए हम लोग पूरा समुदाय देवहर समुदाय के लोग, उन लोगों का आभारी हम लोग रहेंगे। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जाति में हम लोगों को ला दे, मांग करते हैं, हम लोगों का यही मांग है उनसे कि माननीय संजय बाबू, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों का अनुसूचित जाति में ला दे, ताकि आने वाले पूर्वजों का हमको कुछ लाभ मिलता रहे। क्या नाम आपका? धर्मलाल दे। गाँव? गाँव ब्योनी पड़ता है। टोला? ब्योनी। कितना संख्या में यहाँ पर होंगे देवहर? देवहर करीब करीब यहाँ पर 150 घर है। पहले जो छे देवहर समाज में बहुत गरीबी, गोदना गोद गोद के गांव गांव अपन जीवन चलबे छे, बाल बच्चा के दिक्कत, कपड़ा लता के, खाए पिए के बहुत दिक्कत छे, आब जे है सरंगी बजा के और बसहा लके गांव गांव जाके अपन जीवन के जोगार लगबे छे। 2010 में देवहर समाज के दुनिया बदल गेल, तकर बाद बहुत गरीबी छे, कपड़ा लता देह पर शरीर पर नहीं छे, खाना पीना नहीं छे, और गांव गांव जाके अपन पेट भरे छे, नौकरी केकरो नहीं छे, आ भ रहा है। संजय झा हमरा सब ले भगवान छे।
सब हो रहा है नौकरी, बाल बच्चा भी पढ़ रहा है, भोजन भी खा रहा है। जो हम लोग देवघर जाति को बिहार में संजय झारी द्वारा नीतीश कुमार से मिलकर आरक्षण दिलाया गया, अति पिछड़ा होने वाले आज के बाद देवघर समुदाय का तकदीर और दिमाग बदल गया है और आरक्षण से बहुत लाभ मिला हम लोग को। देवघर समुदाय का जज बना है, वीडियो बना है, बनाऊ बना है, समिति बना है, प्रमुख बना है, मेयर बना है, हमारे परिवार में समिति बनी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है मीना देवी, हमारी भाभी है। आरक्षण से मिले, आरक्षण पिछड़ा सीट से, आरक्षण से। ये किसके कारण हो पाया? पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था, हम लोग इस सरकार में, पिछले सरकार में रेट हो गया था। ये संजय झा देन है जो हनुमान है और नीतीश कुमार जी के देन है जो हम लोग को पिछड़ा में वो कराए हैं, अच्छा मिला है, हम लोग इसमें बहुत फायदा ले रहे हैं। तो कोई पार्टी कोई नेता नहीं है, हम लोग जाति में कोई नेता विधायक नहीं है, लेकिन संजय झा जी हनुमान बन के और देवघर जाति के लिए ये सदगुरुदेव के समान है संजय झा जी और नीतीश कुमार गोविंद है जो हम लोग जाति को आरक्षण दिए। पहले क्या समय था? पहले क्या समय था आप लोगों के जो आप लोगों का समाज है उसका कैसे भरण पोषण चलता था? हम लोग भरण जाति में भीख मांगने काम करता था, गुदना गोद के सरंगी बजा के। अभी भी हम लोग को ये हम लोग तो हृदय होना चाहिए, अभी पिछड़ा में है तो बहुत उधार हुआ है, लेकिन हम लोग को सिर्फ बिहार में पूरे भारत ऑल ऑफ इंडिया में 1,00,000 वोटर है मात्र 1,00,000 और हम लोग जो हरदम हम लोग होना चाहिए। अभी तक हम लोग दुर्भाग्य हरदम नहीं मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है संजय झा की कृपा से और नीतीश कुमार से हम लोग इस आरक्षण का हरदम होंगे और हम लोग और फायदा मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम है संजय लाल देव।